जय माता दी। दोस्तों, रामनवमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा सदैव बनी रहे। ये देखिए, मैंने अपने मंदिर की पूजा कर ली है और जो मैंने भोग बनाया था माता रानी को भोग भी लगा दिया है। ये बगल में हमारे लड्डू गोपाल विराजमान हैं, जो तभी जल रही है। ये देखिए हमारी जयंती, चलिए अब कन्याएँ हमारी आ गई हैं, उनकी थाली लगाई जा रही है। ये देखिए सारी कन्याएं बैठी हुई हैं। देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्याएं हमारे घर में आई हुई हैं। ये छोटी छोटी कन्याएं, ये माता रानी की कृपा से हर बार मुझे मिल जाती हैं और आ जाती हैं हमारे घर में। ये देखिए, और ये आए थे लांगुरिया महाराज। ये देखिए छोटे से, ये बनाना खाने में मस्त थे। इधर कन्याएं सारी फ्रूटी पीने में मस्त थी, इनके लिए फ्रूटी लाई गई थी। सारी आते ही बस फ्रूटी पीना स्टार्ट कर दिया था सबने, थाली लगी नहीं कि सारे खाने ही स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। फिर मैं मंदिर में गई इन लोगों के लिए थाली ले लाने के लिए पूजा की। अभी इनका टीका नहीं किया था। ये देखिए इनकी टीका की थाली लेके आई, जिसमें दक्षिणा भी रखा हुआ है, जोत जल रही है, जो मैं इन लोगों की आरती उतारती हूँ। ये देखिए इनके लिए मैंने हलवा, चना, सब्जी, पूड़ी, खीर सब भोग के लिए बना रखा था। और इनके टीका करने से पहले ही इन लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए हस्बैंड मेरे इन लोगों की कलावा बांध रहे हैं। टीका करने से पहले ही कन्याएं भोग लगाना स्टार्ट कर दिया था। कोई नहीं, सब माता रानी की कृपा है, जैसी उनकी इच्छा, चाहे पहले खाएं या बाद में खाएं, भोग तो उन्हीं को ही लगाना है। लांगुरिया महाराज हमारे अलग ही बिजी हैं। ये देखिए, ये देखिए कन्याओं को, ये देखिए हमारी सबसे छोटी कन्या, ये देखिए इनकी आरती उतार रहे हैं हस्बैंड मेरे। इन दो लोगों का टीका लगाना भूल गए थे, फिर इन दोनों का टीका किया। ये सारी खूब खुश थी, इन लोगों को प्रसाद भी बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चे मन से खाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है, फिर ये लगता है चलो हमने जो मेहनत करी है माता रानी ने स्वीकार किया। और बच्चे जब अच्छे से खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और बच्चों ने बहुत खुश होकर के खाना खाया और खूब खुश थे बच्चे, बस आनंद ही आनंद था। ये देखिए बच्चों ने कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था। कन्याओं का आना भी बहुत किस्मत की बात है, सबके सौभाग्य में माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। ये देखिए अब कन्याएं खा ली थी, फिर ये जाने लग गई थी, अपनी प्लेट लेके जाने लग गई थी ये लोग, क्योंकि बच्चे हर घर में जाते हैं तो इतना खा नहीं पाते, खाना बच जाता है। तो इसलिए मैंने कहा अपनी इसमें और डाल दिया था कि लेते जाओ, बाद में जब फिर खा लेना तुम लोग इसको। हम लोगों को आशीर्वाद दे रही हैं कन्याएं, ये देखिए हम लोग पैर छू रहे हैं इनका। जय माता दी। बस माँ अपनी कृपा सब पे ऐसे ही बनाए रखें।